सेल्फ रिस्पेक्ट। ब्राज़ील के एक शहरी ने बताया ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है। जब अमेरिका के एयरपोर्ट पे उसकी चेकिंग की करने लगे तो उसने इनकार कर दिया। उसके इस एक्ट पे उसे वापस ब्राज़ील डिपोर्ट कर दिया गया। वो शहरी जब ब्राज़ील पहुंचा तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बात बताई, तो ब्राज़ील की गवर्नमेंट ने इस बात का एक्शन लिया और अमेरिका के सफीर को बुला के उसको शिकायत की। जब वहाँ से कोई रद्दे अमल नहीं हुआ तो उन लोगों ने एक एक्ट पास किया जिसके तहत सिर्फ ब्राज़ील के एयरपोर्ट्स पे अमेरिकी शहरियों की कितने सालों तक चेकिंग होती रही। और ये अमल इस बात पे अमल उस वक्त तक होता रहा जब तक अमेरिका ने ब्राज़ील से माफ़ी नहीं मांगी। और हौसले जो हिम्मत है वो बंदे को अपने ही घर से मिलती है। जब हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो अपनी कंट्री अपना घर होता है। उस शहरी को पता था मेरी गवर्नमेंट मेरा साथ देगी और सेल्फ रिस्पेक्ट उसको उसकी गवर्नमेंट ने ही तो सिखाई थी। यहाँ पे हमारी ना खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है, ना हमने अपनी कंट्री की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट रहने दी है। हमारे पॉलिटिशियन उठते हैं एक दूसरे पे हूट करते हैं, बस सिर्फ एक सीट के लिए लड़ाई है। आवाम को तो इस बात में बिल्कुल उन्होंने फरामोश कर दिया है कि आवाम की क्या ज़रूरियात है या मुल्क किस तरीके से चलता है या इसकी क्या मैनेजमेंट करनी है या हमने इसको देखना है। उनको बस एक ही बात आती है कि हमने सिर्फ सीट लेनी है, पावर लेनी है। वो कहते हैं हमारे पास आ जाए, दूसरी पार्टी कहती है हमारे पास आ जाए, और आवाम बीच में कहीं इसके रह गई है, उसका किसी को कोई ख्याल नहीं है। अब आटे का बहरान ही बहरान से ही आप ले लें कि कितने लोगों की डेथ हो रही है सिर्फ आटा लेने जाने के। अगर यही सही तरीके से इंतज़ाम किया हो तो क्यों लोगों को इस तरह से लाइनों में लगना पड़े और क्यों वहाँ खड़े लोगों की रश की वजह से डेथ हो। हमारी आवाम अगर आंखें बंद किए हुए हैं तो हमारी गवर्नमेंट ने उसे डबल आंखें बंद की हुई। वो कहते हैं ना कि कुरान का फैसला है कि जैसी आवाम होती है वैसा ही बादशाह तैनात कर दिया जाता है। जब हम हर बात पे आंखें बंद कर रहे हैं, हर बात को कबूल कर रहे हैं कि ये हमारे साथ नहीं हो रहा, ये हमारा मसला नहीं है, हर चीज़ वो शहरी भी के साथ अगर ये हुआ था ब्राज़ील में कि उसकी बेइज्जती की गई थी, तो अगर वहाँ की गवर्नमेंट ये सोचती हमारे साथ तो ये नहीं हुआ, या वहाँ की आवाम कहती हमने इसका साथ नहीं देना, तो फिर कैसे वो कामयाब होता या कैसे अमेरिका उनके सामने माफ़ी मांगने पे मजबूर होता। ये सब उसी वक्त पॉसिबल होता है जब पूरी कौम मिलके, गवर्नमेंट मिलके एक चीज़ को रद्द अमल में लेके आती है। सिर्फ खाली बातों से बात काम नहीं बनता है, काम करने से काम बनता है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।